अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शादाब और आज हम करेंगे एंकल लेंथ पैंट की कटिंग। तो सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा कर बिछा लेंगे, किनारी से देख लेंगे उल्टा सीधा और उसे बिछा लेंगे। किनारी अपने तरफ रखेंगे और जॉइंट वाला हिस्सा अपोजिट साइड। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे एक आधे इंच की दूरी पर कपड़ा सीधा करने के लिए, और वो मार्जिंग में भी काम आएगा भी। तो हम आधा इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम रखेंगे लटक। तो लटक के लिए हम क्या करते हैं, हमने नाप लिखा हुआ है कागज़ पर, 36 हमारी लटक है, तो मानी सॉरी हिप है, तो हिप की हम चौथाई करेंगे। 36 चौथाई करेंगे 9 इंच आएगा, तो 9 इंच हम एक अपने सामने लगाएंगे एक और ऊपर। दो निशान लगाने से क्या हो जाता है कि हमारी लकीर बिल्कुल सीधी हो जाती है, तो वो लगा लेंगे। उसके बाद हम रखेंगे घुटना। घुटने के लिए हम लंबाई का आधा करेंगे, तो लंबाई हमारी 34 है, उसका आधा करेंगे 17 इंच, उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे। लंबाई हमारी बहुत छोटी है तो उसमें आ जाएगा हमारा 19। दो निशान लगाएंगे उसको भी ऊपर नीचे। उसके बाद हम रखेंगे लंबाई। तो लंबाई रखने के लिए हम बेल्ट, जितना चौड़ा हमारा बेल्ट रहता है, जैसे हम अभी 1.25 का बेल्ट लगाएंगे तो 0.25 इंच हम कम कर लेंगे। अगर आपका 1.5 का बेल्ट हो तो आप 1 इंच ही कम करें, तो मैं यहाँ पर 0.25 इंच कम कर रहा हूँ। उसके बाद हम लंबाई रखेंगे, लंबाई हमारी है 34, तो 34 पर निशान लगाएंगे और एक निशान और लगा लेंगे ऊपर, ताकि हमारी लकीर सीधी हो जाए। दो निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम ये सब जो लकीर हमने निशान लगाई है सबको सीधा करेंगे, और नीचे हम बॉटम के लिए 2.5 इंच का एक निशान लगा लेते हैं। इसमें सिलाई होगी, अगर तुरपाई होती तो हम 3 इंच का लगाते, तो इसको भी सीधा कर लेंगे और घुटने के पास इसको भी सीधा कर लेते हैं। और मांडी पर भी सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम किनारी छोड़कर एक निशान लगा लेंगे, फिर यहाँ से रखेंगे हम हमारी जो मांडी है, तो हमारी मांडी है 23 इंच, तो 23 का हम आधा रखेंगे, उसका आधा होता है 11.5। 11.5 पर निशान लगाएंगे, फिर 11.5 को भी आधा करेंगे तो हमारा आएगा 0.65 इंच। तो आप यहाँ ध्यान दें, 0.65 इंच जहाँ हमने निशान लगाया था, बीच से लेकर किनारे तक जहाँ तक हमारा कपड़ा ख़त्म होता है, देखो हमारा 6.5 इंच है, तो वही 6.5 इंच हम बीच में भी निशान लगाएंगे घुटने के पास। देखो 6.5 इंच। अब यहाँ रख लेंगे हम घुटना। तो घुटना हमारा है 16.5। 16.5 का आधा करेंगे, 8.25 इंच आएगा, तो 8.25 का भी आधा करेंगे तो 4 इंच, एक सूत एक तरफ, 4 इंच एक सूत दूसरी तरफ। अब यही नाप हम बॉटम के पास भी रखेंगे। तो देखो हमारा बीच में जो 6.5 तक कपड़ा था आखिर तक का, वहाँ पर नीचे भी रखेंगे 6.5 इंच। अब बॉटम रखेंगे, तो बॉटम हमारा 12 है, इसकी भी चौथाई करेंगे तो 3 इंच आएगा, तो एक तरफ 3 इंच और दूसरी तरफ भी 3 इंच, तो ये हमारा बॉटम भी हो गया। अब इसके बाद हम इस लकीर को सब जितनी हमने निशान लगाया सबको मिलाएंगे, तो बीच वाली लकीर को सीधी पट्टी से मिला लेते हैं, और जो किनारे हमारे ये अराउंड स्केल से, जहाँ से हमारा स्केल अच्छा बैठे, तो राउंड पट्टी से मिला लेंगे। अब यहाँ ध्यान दें, जिस तरीके से हमने पटरी यहाँ मिलाया, उसी पटरी को पलटी करके दूसरी तरफ भी मिलाएंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम मांडी के पास ऊपर भी मिलाएंगे, जहाँ से भी हमारा सेप बैठेगा वहाँ से हम मिलाएंगे। नीचे से नहीं बैठ रहा, ऊपर से बैठ रहा है, तो ऊपर से पटरी मिलाएंगे, उसी पट्टी को उल्टा करके ऊपर भी मिला लेंगे। अब ऊपर जो हमारे राउंड पट्टी है वहाँ से राउंड का शेप दे देंगे, एक राउंड शेप, ये हो जाएगा हमारा राउंड शेप। इसके बाद हम रखेंगे अब कमर। तो कमर हमारी है 32 इंच की, इसकी चौथाई करेंगे तो 8 इंच आएगा, तो 8 इंच का एक निशान लगाएंगे और इसमें 1 इंच की मार्जिंग दे देंगे दोनों तरफ की सिलाई की मार्जिन के लिए। उसके बाद इसको भी सीधा सीधा निशान लगा लेंगे और यहाँ पर फ्लाई के पास हम इसे
राउंड शेप दे देंगे, और आधा इंच के एक निशान और लगाएंगे हम। इसे फ्रंट डाउन करते हैं तो यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम पॉकेट का निशान लगा लेते हैं। पॉकेट हमारी ऊपर से हम रखेंगे 2.5 इंच और लंबाई उसकी रखेंगे 7 इंच की। तो देखा दोस्तों आपने, बिल्कुल आसान थी फ्रंट कटिंग। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लिया करें। हमारा फ्रंट कटिंग हुआ, हम इसी को मोड़ कर हटा लेंगे और बैक जो कपड़ा हमने काटा है उसी को सिर्फ पलट लेंगे, उल्टा करके बिछाएंगे। जो हमने फ्रंट काटा हुआ है अब उसी को उस पर बिछा लेंगे, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं उसको बिछा लेंगे। उसके बाद हम बॉटम के पास लकीर को बड़ी कर लेंगे, जो हमने पहले निशान लगाया हुआ था, और घुटने के पास भी। नीचे हम रखेंगे 1.5 इंच की मार्जिन और घुटने के पास रखेंगे 1.25 इंच की मार्जिन, और इसे राउंड पट्टी से हम मिला लेंगे। आप 1.5 इंच नीचे रखें, ऊपर 1.25, ये बिल्कुल आपका परफेक्ट आएगा। इसके बाद निशान लगाएंगे हम मांडी के पास, तो जो लकीर हमने पहले निशान लगाया उसी पर एक निशान लगाएंगे और एक नीचे लगाएंगे 1/2 इंच की दूरी पर। आप चाहें तो यहाँ पर मांडी के लिए आप 2.5 इंच डायरेक्ट रख दें, वो भी आप बिल्कुल बराबर आएगा। और मांडी हमारी 23 है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो नीचे वाली लकीर है आप वहाँ पर रखें 2.5 इंच, ऊपर नहीं रखें, नीचे रखें। यहाँ पर हम रखेंगे 2.5 इंच की। और आप चाहें तो दूसरा तरीका भी है कैसे, कि जैसे कि हमारा मांडी है 23 इंच, ऊपर और नीचे हम मार्जिन छोड़ देंगे सिलाई के लिए, फिर उसे नाप लेंगे। नापने पर देखो हमारा 10.5 में आ रहा है, 1 इंच कम है, 1 सूत तो 10.5 आया था। अब देखो 23 हम रखेंगे, कहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आया हमारा। तो आप 2.5 इंच रखें, आपका बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा फिटिंग पॉइंट के लिए। इसके बाद जहाँ ऊपर हम राउंड हमारा हुआ है फ्रंट, तो हमको बैग में भी हल्का राउंड करेंगे। और फ्रंट हमने 1.25 इंच डाउन किया था, तो बैग में 1.25 इंच बढ़ाएंगे, क्रॉस करके निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम रखेंगे कमर, तो कमर हमारी है 32, तो 32 की चौथाई रखेंगे 8 इंच। इसमें हम रखेंगे 1.25 इंच की मार्जिन, क्योंकि इसमें सिलाई की मार्जिन और पीछे एक डॉट लगता है वो भी, और दूसरा निशान 1.25 पर लगाया है हमने कटिंग करने के लिए। इसके बाद हम रखेंगे हिप। हिप रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप दोनों तरफ से मार्जिन निकाल लें सिलाई के लिए, ऊपर और नीचे से। उसके बाद इसको नाप लें। इसको नापने के बाद देखो हमारा आ रहा है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर पकड़ लेंगे और हिप की आधा रखेंगे। हिप हमारा 36 है, तो हम 18 इंच पर ले जाएंगे और 8.5 पर निशान लगाएंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आपका फिटिंग आएगा। अब इसको भी मिला लेंगे और वहाँ पर भी राउंड शेप दे देंगे। और कटिंग के लिए हम बढ़ाकर काटते हैं, तो मैं निशान लगा ले रहा हूँ उस पर, वहाँ से हमारी कटिंग होगी। तो ये हमारी बैग भी होगी निशान। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अगर कुछ भी आपको डाउट लगे, कुछ भी इसे समझ में आया तो आप पूछें, आपको फिर से बताऊंगा इसको। ये कटिंग हो गई, उसके बाद हम पॉकेट का निशान लगा लेते हैं। पॉकेट का निशान लगाने के लिए जहाँ से हमने कमर का निशान लगाया उसका आधा कर लेंगे, 9.5 को आधा 4.5, और ऊपर से रखेंगे 3.25 इंच का। और जहाँ पर हमने 3.25 इंच नापा है वहाँ पर भी आधा कर लेंगे, 10 आया है तो 10 का आधा करेंगे 5 इंच। पॉकेट हम 5 की लगा रहे हैं, तो 2.5 इंच एक तरफ, 2.5 इंच की एक तरफ। तो ये हमारी पॉकेट की भी निशान हो गई। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।